नमस्कार दोस्तों, द आयुष ज्ञान यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमालय वेलनेस के ऑक्सीटेट कैप्सूल के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑक्सीटेट कैप्सूल की सही सेवन विधि क्या है, इसके सेवन की मात्रा क्या है, इसके लाभ कैसे मिलते हैं, इसकी MRP कितनी है, इसकी उपलब्धता क्या है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके फॉर्मुलेशन में क्या क्या शामिल है आदि सब बातों के अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। एकदम सही और सटीक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा देना एवं ऑल के बटन पर क्लिक कर देना ताकि कोई भी नया वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीटेट कैप्सूल के फॉर्मुलेशन के बारे में। बात करें इसके फॉर्मुलेशन की तो इसमें हमें जो मेंजीफेरा है वो 94 मिलीग्राम, अश्वगंधा 71 मिलीग्राम, कैरेट इसमें 47 मिलीग्राम, व्हाइट टी इसमें 12 मिलीग्राम, अम्ल की इसमें 141 मिलीग्राम, सिजीजियम जो है वो इसमें 29 मिलीग्राम, यशद भस्म है वो इसमें 2.5 मिलीग्राम एवं गोधुमा जो है वो इसमें 6.5 मिलीग्राम के रूप में मिलते हैं। बात करें इसके की इंग्रेडिएंट्स की तो इसमें कैप्सूल में अम्ल की और जो मैंगो है वो इसके की इंग्रेडिएंट्स में शामिल होते हैं। दोस्तों, अम्ल की फ्लेविनोइड और विटामिन सी से युक्त एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल को कम करता है एवं शरीर को जीर्णता से भी बचाता है। यह ऊतकों को डैमेज होने से बचाता है एवं सेल रीजनरेशन या कोशिकाओं का नए सिरे से निर्माण भी करवाता है। इसके अलावा अम्ल की जो है वो शरीर की त्वचा को पोषण देता है, बुढ़ापे को रोकता है, यह लीवर को भी ठीक रखता है। अम्ल की गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव गुण वाला होता है जो पाचन तंत्र से संबंधित विभिन्न दिक्कतों को ठीक करता है। मैंगो एक गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव गुण वाला होता है जो कि गैस्ट्रिक इंजरी को भी ठीक करता है। ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर के रूप में कार्य करता है एवं शरीर को संक्रमण से भी बचाता है। दोस्तों, मार्केट में एक बॉक्स में 10-10 टेबलेट की 3 स्ट्रिप आती हैं। इसकी एक स्ट्रिप लगभग 70 रुपये के आसपास रहती है जिसमें 10 कैप्सूल आते हैं। ये ऑनलाइन या फिर आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इस कैप्सूल को आसानी से खरीद सकते हैं। खैर दोस्तों, ये सब बात हुई ऑक्सीटेट कैप्सूल के फॉर्मुलेशन एवं इसकी प्राइस एवं इसकी उपलब्धता के बारे में। अब बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। तो दोस्तों, ऑक्सीटेट कैप्सूल जो है वो 100% वेजिटेरियन और हर्बल कैप्सूल होता है जो कि मार्केट में मुख्यतः एंटीऑक्सीडेंट के रूप में खरीदा जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट के अलावा ये कैप्सूल जो है वो पेट में होने वाली एसिडिटी एवं पाचन से संबंधित विभिन्न बीमारियों को ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है। ये कैप्सूल आंवला युक्त होता है। आंवला एक फ्लेविनोइड युक्त एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल को कम करता है, त्वचा की सुरक्षा करता है, त्वचा की रिपेयरिंग करता है, त्वचा की शुष्कता को कम करता है, आंखों की आई साइट को बढ़ाता है, बालों के फॉलिकल को मजबूत बनाकर उनको गिरने से बचाता है एवं बुढ़ापे को रोकने के साथ साथ कैंसर जैसे रोगों को ठीक करने के लिए भी इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यह डायबिटिक रोगियों के लिए भी सही होता है। ये कैप्सूल पाचन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों को ठीक करता है। ये प्रतिरक्षा क्षमता को बूस्ट करता है। इस कैप्सूल के सेवन से प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक होती है एवं आए दिन होने वाली श्वसन मार्ग से संबंधित बीमारियां जो है वो एकदम जड़ से खत्म हो जाती है। ये आमाशय के अल्सर से भी बचाता है। दोस्तों, इसका सेवन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होती है। इसका प्रयोग प्रेग्नेंट और छोटे बच्चे हैं उनको नहीं करना चाहिए। जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं उनको इसका प्रयोग थोड़े ही समय के लिए करना चाहिए। खैर दोस्तों, ये सब बात हुई इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों, 2 कैप्सूल दिन में आप ले सकते हैं या फिर डॉक्टर के बताए अनुसार आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब जानकारी थी हिमालय की ऑक्सीटेट कैप्सूल के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।